अमेरिका के फ्लोरिडा में एक गोलीबारी की घटना सामने आई है। फ्लोरिडा के जैक्सनविल में हुई फायरिंग में 3 लोगों की मौत हो गई। नस्लीय रूप से प्रेरित एक हमलावर ने इस घटना को अंजाम दिया है। शनिवार शाम एक श्वेत व्यक्ति ने 3 अश्वेत लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। स्थानीय पुलिस के मुताबिक डॉलर जनरल स्टोर के बाहर गोलीबारी की इस घटना को अंजाम दिया गया। हत्यारे ने तीनों की हत्या करने के बाद खुद भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सूत्रों के मुताबिक गोली चलाने वाला 20 साल का हत्यारा अश्वेत लोगों से नफरत करता था। उसने एक ग्लोक हैंडगन और एक AR-15 सेमी ऑटोमेटिक राइफल के जरिए इस घटना को अंजाम दिया। स्थानीय पुलिस के मुताबिक हत्यारे के पास से कुछ लिखी हुई चीजें भी बरामद हुई हैं। पुलिस को हत्यारे के पास से एक बंदूक पर स्वास्तिक बना हुआ मिला है। बंदूकधारी ने डॉलर जनरल डिस्काउंट स्टोर के पास से गुजर रही कारों पर गोलीबारी की। वहीं दूसरी ओर बोस्टन में हुई इस गोलीबारी की घटना में 7 लोग घायल भी हो गए। पुलिस ने बताया कि सभी घायलों को वहां के नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया। साथ ही पुलिस ने कहा कि इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी के साथ कई हथियार भी बरामद किए गए हैं।